मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं बच्चों, और इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है और देखकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी अच्छी रैंक आ सके, अच्छे मार्क्स आ सके। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, ठीक है ना। थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो, शॉर्ट ट्रिक अभी मत अप्लाई करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी सी डी एंड पी के ओ आर एस ये पैलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, एक पैलोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ये देख पेन देख रहे हैं ए बी और ये सी और ये डी, ये क्या है, पैलोग्राम है, ठीक है। और हमें सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसका एंगल का नाम मैंने 1 दे दिया है और इस एंगल का नाम 2 दे देते हैं, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर लिख देते सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब बच्चों सी तो हमने कितने का माना, 1 का माना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सी आप ले रहे हैं, समझो ये नहीं है तो सी ही माना जाएगा, या फिर आप एंगल 1 लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। एंगल 1 और एंगल डी, डी कितने का है बच्चों, यहाँ पर चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या, 120 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। आइए आगे कर लेते हैं। तो एंगल 1 कितने का आ जाएगा बच्चों, 180 टू 120, इधर प्लस में इक्वल के साइन से इधर लेके आना है तो साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। एंगल 1 कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो अब हमें लेना है ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो वी नो दैट, यहाँ पर आप देखिए तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल पी के, ठीक है, ये अपोजिट एंगल हो गए। यहाँ पर ये 2, अगर हम ये ले लेते हैं पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला, अब इसको भूल जाइए आप। तो ये बच्चों क्या हो गया, अपोजिट एंगल हो गए, और अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ठीक है, ये अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 की वैल्यू आपको निकालने, तो पी की वैल्यू क्या, 70 डिग्री है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ये एक मान लीजिए यहाँ पर ये O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आपस में, तो ये आर ओ सी ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहीं पे वही लिखना है, तो ट्रायंगल आर ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो बच्चों अब एन 1 की वैल्यू आपको मालूम है, 1 की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री आई है, और 2 की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री आई है। तो इसकी जगह 60 डिग्री और 2 की जगह 70 डिग्री, एक्स की तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो 60 और 70 कितना होता है, 130 डिग्री होता है बच्चों, और प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर तो 130 इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी।
तो ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, 50 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा आपके सामने बच्चों, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी जे पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पैलोग्राम है, ठीक है, पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो भाई प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी लर्न नहीं है तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर पैलोग्राम है, पैलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, ठीक है, ये पैलोग्राम है, एंड ए सी एंड यहाँ पर बी डी आर इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो डायगोनल इक्वल भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए ओ इक्वल होगा ओ सी, और साथ ही यहाँ पर ये जो दूसरा डायगोनल है बी डी, यानी इसका बी ओ इक्वल होगा डी ओ के, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ए ओ और हमें क्या निकालनी है, हमें तो निकालनी है एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो सबसे पहले ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है, ए ओ कितनी है, एक्स प्लस वन है बच्चों, ठीक है, एक मिनट, ये टू दिया हुआ है आई थिंक, मैं एक बार जरा बच्चों इसको फिगर में देख लेता हूँ एक्चुअली में है क्या, क्योंकि ठीक है ना कन्फ्यूजन में थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होना, हाँ जी हाँ, ये है टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना टू इधर लिखा, ये एक्चुअली में टू ब्रैकेट एक्स प्लस वन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते टू एक्स प्लस वन इस तरीके से, और इक्वल ओ सी, ओ सी क्या है, थ्री एक्स माइनस वन इस तरीके से, ठीक है। तो टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, टू एक्स, और टू को वन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है टू, और थ्री एक्स माइनस वन ये आ गया। अब एक्स को एक तरफ ले आए, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा इक्वल माइनस वन, ये माइनस प्लस टू है, इधर आकर ये माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो गए, तो थ्री एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे माइनस वन एक्स आ जाएगा, और माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री हो गया, माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू, ठीक है, सिमिलरली वाई की वैल्यू निकालनी है, तो देख रहे हैं बी ओ इक्वल होगा डी ओ के, तो इनकी वैल्यू को भी क्या कर देना है, इक्वल रख देना है, ठीक है ना, तो बी ओ इक्वल होगा डी ओ के, यानी सिक्स वाई माइनस वन इक्वल होगा फाइव वाई प्लस वन के, ठीक है। अब सिक्स वाई, अब भाई ये इधर है फाइव वाई, इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ले आए आप इसको, तो फाइव वाई इक्वल और प्लस वन, ये इधर माइनस वन है, इधर आकर ये राइट साइड में प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, सिक्स वाई में से फाइव वाई माइनस कर देंगे तो वन वाई बच जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई टू, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, यानी एक्स की वैल्यू है थ्री और माइनस वाई की वैल्यू है टू, तो दोनों को माइनस करेंगे वन, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं और इसको रीड कर लेते हैं, देखो क्या कहता है, इफ द सम ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26, यहाँ पर जो ये डायगोनल है ना, इनका सम गिवन है बच्चों 26, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, इक्वल क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके जो डायगोनल होंगे ए सी इक्वल होगा बी डी के, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आर इक्वल सॉरी आर आ रही बच्चों, ठीक है,
इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये लेंथ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बच्चों आगे क्वेश्चन कहता है कि इनका सम दिया हुआ 26, तो हमें एक डायगोनल का डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहता है, देन फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू थ्री साइड्स, तो बाकी जो साइड बची है उनका सम हमें फाइंड आउट करना। तो पहले तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर ए बी की निकालें तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी की, बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जो ए बी की लेंथ आएगी वही सी डी की लेंथ आएगी, और जो बी सी की लेंथ है वही ए डी की लेंथ है। तो हमें क्या निकालनी, ए बी की निकालनी है। साथ ही इस डायगोनल की अगर हमें मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहां पर सम दिया हुआ है, यानी इसके जो डायगोनल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम करें एसी प्लस बीडी, तो इन दोनों का सम क्या दिया हुआ, 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि ये कहा एसी इक्वल है बीडी के, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम एसी प्लस बीडी की जगह एसी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बी डी किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी डी की जगह ए सी लिखा जा सकता है। तो 1 AC और 1 AC कितना हो गया, 2 AC हो गया, इक्वल 26, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 आ गया। तो AC की लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 13 सेंटीमीटर आ गई, ये 13 आ गई। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्रैंगल, देखो ट्रैंगल ले लेते हैं, इन ट्रैंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रैंगल ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या कहता है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे हाइपोटन्यूज बोलते हैं। तो ए सी स्क्वेयर, ठीक है, इसका इक्वल होना चाहिए, यानी ये हाइपोटन्यूज जो स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर इक्वल होना चाहिए बेस स्क्वेयर, बेस क्या है ए बी स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी बी सी स्क्वेयर, इन दोनों के स्क्वेयर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी गिवन है 13 स्क्वेयर, और ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए बी स्क्वेयर यू कैन लिखिए, और बी सी है 5, तो 5 स्क्वेयर इस तरीके से। तो 13 का स्क्वेयर होता है 169। ठीक है, 5 का स्क्वेयर क्या होगा, 25 होगा, जो 25 इधर प्लस में इधर आकर वो माइनस में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, तो ए बी स्क्वेयर इधर लिख लेते हैं, और या इसको इधर लिख लेते हैं, और इनको माइनस करें तो 144 आ जाएगा। अब बच्चों इधर यहाँ स्क्वेयर है, ठीक है, इस स्क्वेयर को यहाँ से हटाकर इधर लेके आएंगे इक्वल के साइन से, तो स्क्वेयर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वेयर रूट कितना होता है, यानी ए बी का 144 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, ए बी इक्वल आ गए ना, रूट 144, तो 144 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, ये कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इधर मैं बता देता हूँ। अब रेक्टेंगल में बच्चों हमें सम ऑफ थ्री साइड फाइंड आउट करना था, यानी ए बी प्लस ए डी और प्लस सी डी। ठीक है, अब ए बी आ गई आपकी 12, और ए डी क्या होगी, ए डी तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ए बी सी और ए डी ये दोनों अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। साथ ही सी डी कितनी आ गई है, 12 आ गई है, तो 12 और 12 24 और 5 29, तो 29 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मेंटल मैथ में अगर किसी भी क्विज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि ए बी की लेंथ पूछ ली जाए, हो सकता है सी डी की लेंथ पूछ ली जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 38 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, देखो यहाँ पर इन द फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर, ये पी क्यू आर है, ये क्या है, एक स्क्वेयर, स्क्वेयर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको याद रखना है। एंड टी एस आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और टी एस आर क्या है, टी एस आर ये क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बच्चों जब यहाँ पर ये साइड स्क्वेयर की दी हुई है, और साथ ही ये बेस भी बन गया है इसका ट्रायंगल का, तो इसका मतलब यह सभी साइड क्या होंगी, इस साइड के इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये, अगर आप एस पी की साइड देखें भी, एस पी की लेंथ कितनी होगी, जो टी एस की लेंथ होगी वही एस पी की लेंथ होगी। ठीक है, जो टी आर की लेंथ होगी वही क्या होगी, आर क्यू की लेंथ होगी। समझ में आया ना, क्योंकि देखो ये जो साइड है ये स्क्वेयर की साइड है, और यही बेस बना हुआ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये
और ये साइड है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। तो कहने का मतलब है देखो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है? अगर हम ये, हमें ये तो मालूम है भाई ये जो है ना इक्विलेटरल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 60 डिग्री में से अगर ये एंगल हमें मालूम हो जाए, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है, उसको माइनस कर दे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें यही एंगल फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले आप देखो बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल टी आर क्यों, ये ट्रायंगल बने टी आर क्यों, देख रहे हैं ट्रायंगल टी आर क्यों। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल टी आर क्यों में आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये एंगल बच्चों यहाँ पर आर एंगल, यदि अगर हम आर एंगल फाइंड आउट करें तो आर एंगल में टू एंगल लगते हैं। एक तो लगता है बच्चों टी आर एस, ठीक है, लिख लो एंगल टी आर एस प्लस एक लगता है एंगल एस आर क्यों, ठीक है, एंगल एस आर क्यू ये लगता है। अब बच्चों टी आर एस तो है 60 डिग्री का, क्योंकि टी आर एस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, ये तो 60 डिग्री का हो गया। और एस आर क्यू, एस आर क्यू ये क्या है, स्क्वायर का एंगल है, तो स्क्वायर का एंगल ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितने का आ गया, 150 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर फिर मैं एक बार फिर लिखता हूँ इन ट्रायंगल टी आर क्यू, टी आर क्यू में ये तो हम निकाल चुके एंगल आर की वैल्यू, तो टी आर क्यू में यानी कि टी आर इक्वल होगा क्यू आर, ठीक है, सॉरी क्यू आर, टी आर इक्वल होगा क्यू आर। भाई ये स्क्वायर की साइड है और ये क्या है, ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। ट्रायंगल की साइड स्क्वायर की साइड के इक्वल आ रही है, और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये भी दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और इक्वल जब साइड आ गई है ट्रायंगल के अंदर तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल वन रख लेते हैं और इधर क्या रख लेते हैं, टू रख लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट सॉरी हाँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, समझ में आ गया। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख लो या फिर आप सम इनका यानी एंगल वन और टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो एंगल प्लस एंगल टू इज इक्वल प्लस एंगल यहाँ पर आर, तो तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल वन और एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल वन के इक्वल है, तो एंगल टू की जगह एंगल वन लिखा जा सकता है। और ये आर किसके इक्वल आ रहा है, 150 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, आप देने देख लिया इधर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 150 को इधर ले आएंगे और एंगल वन और एंगल वन मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये एंगल वन का डबल हो गया और इधर आकर ये 180 और 150 जब इधर आएगा राइट साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एंगल वन की वैल्यू नहीं, तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, और टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, तो 15 डिग्री आ गया। एंगल वन की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। अब हमें निकालनी है एंगल एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, अगर एंगल टी में से हम माइनस कर दें एंगल एन की वैल्यू, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल का ट्रायंगल जो होता है प्रत्येक एंगल ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए मैंने 60 डिग्री लिखा है। माइनस एंगल वन, वन की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री आई है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 60 में से 15 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, उसे भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना, इसमें से सीखकर आपको दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपके देखो कई बच्चे कमेंट्स करते हैं सर ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन जरूर करता हूँ और आप सभी बच्चों के लिए उसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपका मुझे इंतजार रहेगा कि आप मुझे कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल धीरे धीरे बता दिया जाएगा और आप बच्चों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।